इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब चुंदी यांगरा जमा है। ये जो है बहुत लेवल की होती है, इसके अंदर जो है फिलिंग की होती है कीमे की या बीफ की। इनको सिर्फ और सिर्फ आपने बॉयल करना होता है पानी के अंदर 3 मिनट के अंदर, तो ये जो है फुल तैयार हो जाती हैं। हेलो निहा, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है रमज़ान का दूसरा जुम्मा है और हम जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ मुस्लिम रेस्टोरेंट के सामने। ये मेरा जो है अभी न्यू दोस्त बना है ये रेस्टोरेंट वाला। तो आज जो है हम इकट्ठे इंशाल्लाह बाइक पे चलेंगे इस बाइक के ऊपर जुम्मा पढ़ने के लिए। तो आपको जो है सिटी भी थोड़ा सा देखेंगे कि सिटी का क्या सीन है, मैंने देखा नहीं है बाइक से वैसे। तो आज जो है आपको थोड़ा सा सिटी का भी माहौल दिखाएंगे और जुम्मा भी। सो चिकत 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 शर्मा, हाँ 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 चिकत शुभा ये जी पराडो रेडी। ये है मेरा दोस्त। अच्छा, तो इसका नाम है कासिम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कासिम तैबा इट मींस कासिम कासिम। मौसम जो है बहुत ही लेवल का है और बादल है पूरे सिटी के अंदर। सुनो आई रमजान की सातें, बढ़ा दी है अल्लाह हने नेमतें, है ये मग़फ़िरत और रहमत का। ये जी है ओल्ड मोहल्ला, आपको आप कह सकते हैं इस जगह पे। ये चेक करें, तो अभी जो है मस्जिद में पहुंच चुके हैं और जो है जुमा पढ़ने के बाद आपसे मुलाकात होती है। सुनो आई रमजान की सातें, बढ़ा दी है अल्लाह हने नेमतें, है ये मग़फ़िरत और रहमत कमा, नहीं और किसी माँ क्यों अजमतें। फाइनली जो है जनाब साहब जुमा वगैरह पढ़ लिए, और ये मस्जिद के बाहर इतना ज़्यादा रश है। ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, इससे एक ही जुड़े ये बंदा यहाँ से मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आपने किधर देखा? यहाँ पे होता है क्या? इस सिटी में तो नहीं होता। मैं इधर नहीं होता, बस इधर आया हूँ। आप देखा, मुझे लगा कि अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना रश है इस जगह पे, क्योंकि इस सिटी के अंदर जो है ना तकरीबन 2 मॉस्क हैं, और जो सबसे नज़दीक मॉस्क है वो यही वाली है जो कि सब यूनिवर्सिटीज के नज़दीक है। जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पे जुमा पढ़ने आते हैं। मोस्टली जो चाइनीज़ में हैं वो भी इसी जगह पे आते हैं, क्योंकि ये वाली मस्जिद जो है नज़दीक पड़ती है। अभी जो है आप घूमे फिरेंगे, थोड़ा सा हमने सामान लेना है, और अभी मैं चाइनीज़ का वेट कर रहा हूँ। मैंने तो जुमा पढ़ लिया और उसका वेट कर रहा हूँ, वो निकले तो फिर कहीं आगे जाता है। तो यहाँ पर जी मस्जिद के बाहर एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप बहुत मज़े मज़े के खाने खा सकते हैं, डिफरेंट किस्म के। ये सारे नमकीन हैं और ये जो है बहुत लेवल की होती है, इसके अंदर जो है फिलिंग की होती है कीमे की या बीफ की होती है, और ये बहुत लेवल की होते हैं। ये पाउज हैं, इसको पाउज बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तंदूर के अंदर लगाते हैं इनको और इसके अंदर कीमा फिल किया होता है। ये नान, ये भी टाइप ऑफ नान है जिसके अंदर फिलिंग की हुई है, और उसके बाद ये जो है नाश्ते में खाते हैं चाइनीज़। तो ये जी स्ट्रीट है मस्जिद के बाहर, यहाँ से जो है लोग गोश्त वगैरह लेते हैं, जो जितने भी मुस्लिम वगैरह यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए मार्केट लगी हुई है इधर, और बकरे टंगे हुए हैं इसमें, वो भेड़े भी हैं, दुम्बे भी हैं, सारा कुछ। ये हलाल शॉप है यहाँ पे। इधर रेट तो पता करें यहाँ से कितने का मिलता है। अस्सलाम वालेकुम चुंदी यांग रोज़ अम्मा है सांशार इची हाँ। तो ये 32 RMB का आधा किलो यहाँ से गोश्त मिल रहा है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे जो है गोश्त लगा हुआ है। यहाँ पे शॉप है जहाँ पे नान लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वैसे आँखा का नहीं मंजा मंजो अगर नान, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ किस तरह आप नान लगाते हैं। ये भी वही है तंदूर के अंदर लग रहे हैं, ये देखें। हाँ शी शे शे, तो जो हमारी बाइक बैठी थी वो ख़त्म हो गई थी, ये चार्जिंग पे लगा के आया था। कसिम साहब अभी जो है हम डंपलिंग्स वाली जगह पे जा रहे हैं, मैं कहती फंक्शन ना चलिए मैं चाहता हूँ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਗਰੀ ਫਾਰਮ ਅੱਛਾ ਯਹਾਂ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਚਾਓਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਨ ਸੇ ਪਤਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਸੇ ਹਮ ਡੰਪਲਿੰਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਯਹ ਅਭੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਂ ਕੌਨ ਸੀ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋ ਗੈਸ ਇਹ ਯਾਂਗਰੋ ਦਾ ਮੈਂ ਤੋ ਗੈਸ ਇਹ ਬਾ ਜ਼ਮਾ ਮੈਂ ਹਾਂ 7块钱给你，为什么7块钱？这里都是6块钱的。那没有，那没什么。里面是30个。我知道。里面是6块钱一个，行不行？要几个？啊，我要20个，20包。他说7块钱，7块钱一包。啊，那你要卖吗？我说我给你6块，6块钱。 我很长时间在中国，你要牛肉还是羊肉？你干啥拍的吗？来拍一个。我这是拍 vlog， 我不拍你的。没事。你要牛肉还是羊肉？羊肉的。都要羊肉。十个是羊肉的，十个是牛肉的。十个羊肉，十个牛肉。这里的好吃吗？挺好吃的。啊，所以7RMB给我们代理的，然后。 इससे 6 RMB पे बात की है। ये है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीफ की होती हैं और मटन की भी होती हैं, इसके अंदर फिलिंग होती है और इनको सिर्फ और सिर्फ आपने बॉयल करना होता है पानी के अंदर 3 मिनट के अंदर, तो ये जो है फुल तैयार हो जाती हैं। ये छोटी छोटी, इसको वैसे उर्दू में पकौड़ियाँ कहते हैं। 6 RMB की है, 400 ग्राम, मतलब 30 इसके अंदर होती हैं, 30 ये छोटी इस तरह की जो है डम्पलिंग्स होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं, चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भाई ये जो है वो इतना बड़ा शावर ले लिया और ये तकरीबन 120 RMB का टोटल मुझे पड़ा। इधर जो आपको बताया था कि औरतें जो है वो सारी डीलिंग वगैरह करती हैं ना, शॉप्स वगैरह जो जितनी भी है हर कारोबार में, यहाँ पे औरतें भी उतना ही काम करती हैं जितना मर्द करते हैं। और चलिए इसी हलाल, ये हलाल मुर्गी भी है, आप इधर से ले सकते हैं। नान नान ये नान भी थे यहाँ पे, आप जो है इसका एक फुल ले सकते हैं पैकेट जो था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जी सिटी सेंटर है इस जगह का। चगे दिफांग दमा शो, चगे दिफांग शो ख्वाई हलो बुशिंग जे, ख्वाई हलो बुशिंग से। यहाँ पे जो है थोड़ा सा रश मश होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लगे हुए हैं बारबेक्यू, स्ट्रॉबेरीज के ठेले और जनाब साहब ये फ्लावर वगैरह मैसे नहीं, सो Beach। तो ये छोटी सी स्ट्रीट बनी हुई है सबवे से बाहर। अभी जो है यार ये तो सॉक्स मैंने लेनी थी, सस्ती लगी है इधर। ये अभी जो है मुझे सबवे पे छोड़ के फिर जो है वापस जाएगा इलेक्ट्रिक बाइक लेने के लिए अपनी। ये चाइनीज बहुत अच्छा है, यहाँ पे पेट भी थोड़े से लगे हुए हैं, यहाँ पे छोटे कुत्ते भी लिए, गुब्बारे फोड़ो और गिफ्ट लो। ये बहुत लेवल की है ये चीज। ओए दादा, ये सफाई कर रहे हैं झील की। मैं इसको दूंगा, ये बाइक पे लेके जाएगा, चार्जिंग नहीं थी इसके बाइक के अंदर इतनी ज्यादा। तो शाम को जो है इंशाल्लाह मैं इसके रेस्टोरेंट से रिसीव कर लूँगा और अभी मैं जो है सबवे पे जाऊँगा। तो आज के जो व्लॉग है हम यहाँ पे खत्म करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय।